फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? नवरात्रि आने वाली है और माता को मनाना है, इस बार अपने घर लेके आना है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी मेहनत करते रहते हैं, अच्छे अच्छे मौके हमें मिलते रहते हैं, लेकिन फिर भी हमें, जब हम कार्य मेहनत करने के बाद भी कार्य को करते, तो हमें सफलता नहीं मिलती है। धन आता है लेकिन तिजोरी में टिकता नहीं है। हो सकता है हमारे घर, हमारे व्यापारिक स्थल की तिजोरी का रखने का स्थान में दोष हो। दोस्तों, वो भी हम चेक कर लेते हैं, तिजोरी की वास्तु हम चेक करते, वो भी सही होता है, फिर भी धन नहीं हो सकता है। दोस्तों, आर्थिक दिक्कतें आती रहती है। तो चलिए, हमें आज मैं आपको फटाफट बता दूं कि एक बार तिजोरी आपको कहाँ रखनी चाहिए ताकि आपको आर्थिक दिक्कतें ना आए, वो आप चेक कर ले दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आज तिजोरी में धन भरने के टोटके। दोस्तों, यदि अलमारी में धन रखना हो तो उसके मध्य भाग में या ऊपर के भाग में तिजोरी बनाना उचित होता है। निवास स्थान के, जो हमारा जो घर है उसके जो नॉर्थ साइड होता है, वो कुबेर का स्थान माना जाता है। इस कारण तिजोरी रखने का कमरा हमेशा नॉर्थ में बनाना चाहिए। अलमारी में अगर धन रख रहे हैं तो उसके जो बीच का भाग है या ऊपर का भाग है, उसमें तिजोरी बनाना चाहिए। ईशान कोण में हमें तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। ईशान कोण मीन्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में हमें तिजोरी नहीं रखनी चाहिए। अग्नि कोण में भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए, इससे अनावश्यक धन खर्च होता है। नैतित्य कोण में भी तिजोरी नहीं रखनी चाहिए क्योंकि आकस्मिक खर्च आ सकता है और धन के चोरी होने की संभावना रहती है। वायव्य कोण में भी रखी तिजोरी में तो पैसा टिक ही नहीं सकता है। तो दोस्तों, हमें कोई भी कॉर्नर में तिजोरी नहीं रखनी है, रखनी कहाँ है? नॉर्थ डायरेक्शन में तिजोरी रखनी है ताकि उसका मुख साउथ में खुले। बात करेंगे हम चमत्कारों की। दोस्तों, तिजोरी में धन रखने के चमत्कारिक टोटके जिससे आप हो जाएंगे मालामाल, आज हम वो बताते हैं आपको। दोस्तों, नवरात्रि बिल्कुल आ चुके हैं, 28 तारीख से शुरू हो रहे हैं। इस दौरान, इस नवरात्रि में माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए विविध स्वरूपों की आराधना की जाती है। उन्हें प्रसन्न कर उनसे मन चाहा आशीर्वाद लिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि में जो भी टोने टोटके हम करते हैं दोस्तों, वो अचूक होते हैं और उनको करना भी बहुत इजी होता है। तो चलिए, आज आपको मैं बता दूं तिजोरी के क्या खास टोटके आप कर सकते हैं। तिजोरी में हमेशा पूजा की सुपारी रखनी चाहिए। पूजा की सुपारी पूर्ण एवं अखंडित होती है, इसलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप मानकर उस पर जनेऊ चढ़ाई जाती है। बाद में उसे पूजा की सुपारी को तिजोरी में रखना चाहिए क्योंकि वहां गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी का निवास होता है, वहीं लक्ष्मी जी का निवास होता है और इसी वजह से घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास होता है। लक्ष्मी पूजन में सुपारी रखें। सुपारी पर कैसे रखना है? सुपारी पर लाल धागा लपेटकर यानी मोली लपेट लें, अक्षत कुमकुम पुष्प आदि पूजन सामग्री से पूजा करें और पूजन के बाद इसको तिजोरी में रखें। दोस्तों, ये उपाय आपको करेगा मालामाल, तो कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको तिजोरी में रखनी है हल्दी। शुक्रवार को पीले कपड़े में, जो भी नवरात्र की जो फर्स्ट शुक्रवार आएगी दोस्तों, उस दिन आपको पीले कपड़े में 5 कौड़ी, थोड़ी सी केसर, चांदी के सिक्के के साथ बांधकर तिजोरी या धन रखने के स्थान पे रख दें। उसके साथ 7 हल्दी की गांठ रखें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे दोस्तों, इसका असर होने लगेगा और धन समृद्धि के रास्ते आपके खुल जाएंगे। हर वक्त आपकी तिजोरी में धन भरा हुआ रहेगा। एक बहुत ही अचूक टोटका बताने जा रही हूँ दोस्तों, रहेगी हमेशा बरकत, आपकी तिजोरी भरी रहेगी हमेशा। तिजोरी में 10-10 के नोट की एक गड्डी रखें और कुछ पीतल और तांबे के सिक्के साथ रख दें। पीले सिक्के होंगे तो बहुत ही फायदा होने वाला है, वो भी चल जाएगा। कुछ सिक्के आपकी जेब में भी रखें, पर ध्यान रखें दोस्तों, ये सिक्के जर्मन सिल्वर के या अल्मीनियम के नहीं होने चाहिए।
दोस्तों नेक्स्ट है पीपल का पत्ता। एक पीपल का पत्ता ले और देसी घी में मिश्रित लाल सिंदूर से उस पर ओम लिख दें। अब इसे तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रख दें। ऐसा कम से कम आपको नवरात्रि में पहले शनिवार से शुरू करके 5 शनिवार तक करना है, तो आपके पास 5 पत्ते हो जाएंगे। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि जब तक ये 5 पत्ते होते हैं तब तक इससे धन संबंधी जो भी दिक्कतें होती है आपकी लाइफ में, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है दोस्तों, वो दूर हो जाती है। दोस्तों पीली कोड़ी तो है ही चमत्कारी, पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। पुष्य नक्षत्र के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन करना है आपको। पूजन में पुरानी चांदी के सिक्के और रुपयों के साथ कौड़ी रख के उनको हल्दी और केसर से पूजन करना है। पूजन के बाद, ये थर्सडे को उपाय करना है दोस्तों, आपको केसर और हल्दी से पूजन करना है। पूजन के बाद इसको तिजोरी में रख देना है। आप खुद देखेंगे दोस्तों आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहेगी। दोस्तों दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। तंत्र मंत्र में दक्षिणावर्ती शंख का विशेष महत्व होता है। इसे घर में पूजा के स्थान या तिजोरी में रखने से रंक भी राजा बन जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है दोस्तों। इस नवरात्रि में इसे घर पे लेके आए और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। दरअसल ये शंख लक्ष्मी माता को आकर्षित करती है, और जैसे ही आप पूजा में रखते हैं शंख को दोस्तों, इस दक्षिणावर्ती शंख को, लक्ष्मी माता का आपके घर पे वास हो जाता है। दोस्तों एक भोजपत्र रखें। अखंडित भोजपत्र पर लाल चंदन को पानी में घोल लें और उसको इंक के जैसे यूज करते हुए मोर पंख से श्रृंग लिखें। अब इस भोजपत्र को तिजोरी में रख लें। आप खुद देखेंगे थोड़े दिनों में आपको कितना फायदा होने लगेगा और दिन दुनी रात चौगुनी आपकी तिजोरी भरने लगेगी। दोस्तों माला माल होने वाले हैं, आपकी तिजोरी भरने वाली है। बहेड़ा की जड़ ले आए। बहेड़ा बड़ा सहज और सुलभ सा फल है। इसका पेड़ बहुत बड़ा महुआ के पेड़ के जैसा होता है, और थर्सडे के दिन इसके जड़ या पत्ते लाकर इसकी पूजा करें दोस्तों। उसके बाद इसमें लाल वस्त्र बांधकर भंडार घर में भी रख सकते हैं और तिजोरी में भी रख सकते हैं। दोस्तों आय में वृद्धि होने लगेगी, आपकी तिजोरी भरने लगेगी। दोस्तों एक और जड़ होती है, वो है शंख पुष्पी की जड़ बोलते हैं। इसको देव प्रतिमाओं की भांति पूजें और इसके पश्चात इसको चांदी की डिब्बी में प्रतिष्ठित कर लें। उस डिब्बी को धन की पेटी, तिजोरी या भंडार घर में कहीं पे भी सूटकेस में रख सकते हैं। ये टोटका लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए अत्यंत समर्थ कृपा है। हर थर्सडे के दिन शंख पुष्पी की जड़ व चांदी की डिब्बी आप बदल सकते हैं, और चाहे तो पुष्य नक्षत्र पे भी कर सकते हैं। पहले वाली जड़ बहते हुए पानी में कहीं पे भी प्रवाहित कर दें। दोस्तों माला माल होने के टोटके हैं, ऐश्वर्य वृद्धि यंत्र या धनदा यंत्र की स्थापना कर सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक यंत्र को विधिवत रूप से पूजन करें और फिर उसको धन रखने के स्थान या तिजोरी पे रख दें। इससे आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहेगी और धन में बरकत हमेशा बनी रहेगी। एक बहुत छोटा सी चीज है काली गुंजा। मुझे पता नहीं दोस्तों आप लोगों ने देखा है कि नहीं, जो वैष्णव है वो तो जानते हैं कि ठाकुर जी को ये काली गुंजा की माला चढ़ाई जाती है। धन संपदा के लिए तिजोरी के नीचे या तिजोरी के अंदर काली गुंजा के 11 दाने पवित्र करके रखें। धन रखने के स्थान पर या तिजोरी में हमेशा लाल कपड़ा बिछाएं और दुकान में तिजोरी के पास लक्ष्मी गणेश जी की चित्र लगा के रखें। दोस्तों होली के दिन चला गया है होली के दिन, लेकिन फिर भी अगर आपने होली के दिन, मैंने एक उपाय बताया था मोती और शंख का, तो आप वो उपाय नवरात्रि में भी कर सकते हैं। एक मोती शंख और एक चांदी का सिक्का लेकर उसको नए लाल कपड़े में लाल मोली से बांधकर तिजोरी में रख लें। व्यवसाय में बहुत ही लाभ होगा दोस्तों। शनिवार के दिन करें ये उपाय तो अत्यंत ही धन की लाभ की प्राप्ति होती है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, बता रही हूँ आपको श्रीफल का उपाय करें। किसी भी शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी फल को लाल कपड़े में रखकर उस पे कामिया सिंदूर लगाएं, देशी कपूर रखें तथा साबुत लौंग चढ़ाएं, सब कुछ रख के धूप दीप देके कुछ दक्षिणा अर्पित कर दें और फिर उसको लाल कपड़े में बांध के अपनी तिजोरी में रख लें। दोस्तों धन में वृद्धि होती चली जाएगी। इस नारियल को एक चमकदार लाल कपड़े में लपेटना, ये ध्यान रखें। सिल्क का कपड़ा ले ले, रेड सिल्क ले ले दोस्तों, साटिन ले ले, वो चमकीले होते हैं वो कपड़े, उसमें रखने से अगर धन के स्थान पे उसको रखेंगे दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही शुभ होने वाला है और आप होने हैं मालामाल। दोस्तों सच्चे दिल से माता रानी की प्रार्थना करें, नवरात्र है माता को मना लें, माता दुर्गा के साथ माता लक्ष्मी का वास अपने आप हो जाता है, धन कुबेर का वास अपने आप हो जाता है। अपनी तिजोरी, अपने धन रखने के स्थान के डायरेक्शन को चेक करें कि वो सही है कि नहीं है और उसके बाद सबसे पहले दोस्तों ये उपाय कर लें, आपकी सारी दुख दुविधाएं दूर हो जाएगी, धन संपत्ति की जितनी प्रॉब्लम्स है वो दूर हो जाएगी दोस्तों और अकस्मात धन की प्राप्ति होगी। आज के लिए बस इतना ही। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें और भूलना मत अपने दोस्तों अपने परिवार वालों से सबके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो या कोई भी दूसरे सोशल साइट्स हो, व्हाट्सएप हो दोस्तों, ताकि वो सब भी इसका फायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही। जय माता दी।